हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी परवल की मिठाई। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम परवल, और मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के परवल भी ले सकते हैं। अब इसके लिए हम परवल के साइड के पार्ट को हटा लेंगे, और इसके छिलके को हम या चाकू की मदद से या फिर इसकी मदद से हम छिलका निकाल लेंगे सारा। इसी तरह से हम सारे परवल को छील लेंगे। अब देखिए, सारे परवल को हमने अच्छे से छील लिया है। अब हम परवल उठाएंगे और इसको बीच से एक कट लगाएंगे, और इस तरीके से हल्का हल्का खोल के, और इसके सारे बीज को हम किसी स्पून से, अब हम इसको एक स्पून के पीछे की मदद से इसके सारे बीज को अंदर से निकाल लेंगे। हम हल्के हल्के निकालना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खोलना है। ये देखिए, अब इसी तरह हम सारे परवल को अंदर से खाली कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सभी परवल को अंदर से कट करके और इसको खाली कर लिया है। अब हम गैस पे एक बर्तन रखेंगे और उसमें इतना पानी रखेंगे जिससे कि ये हमारे परवल सारे डूब जाएं और ये अच्छे से बॉईल हो जाएं। अब परवल को हम करीब 2 मिनट के लिए इसी तरह बॉईल होने देंगे। चाहे तो आप इसको ढक के भी बॉईल कर सकते हैं। देखिए, परवल बॉईल होने लगे हैं। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिससे कि हमारा परवल का कलर बहुत ही अच्छा रहता है। जब तक ये हमारे परवल बॉईल हो रहे हैं, हम एक तरफ चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन रखा है गैस पे। इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है और 1/2 कप मैं पानी डालूँगी। अगर पानी कम लगता है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड कर लेंगे। और परवल को 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और परवल को किसी छन्नी में निकाल लेंगे। अब चीनी देखिए पानी में अच्छे से घुल गई है। हमें इसको 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा चिपचिपा होने तक इसको फुलाना है। अब ये चाशनी देखिए चिपचिपी होने लग गई है। इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये बस इतना हो गया है कि ये चिपकने लगी है, इसमें तार नहीं बने हैं। अब इसी टाइम हम इसमें जो हमने परवल बॉईल करके डाले थे रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा उसका पानी निचोड़ के ही डालेंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसमें बॉईल होने देंगे। अब इसी टाइम हम इसमें बॉईल होते हुए 1 पिंच ग्रीन फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है, और इसको ढक के 10 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ देना है। जब तक कि हमारा परवल चाशनी में भीग रहा है, हम इधर एक गैस में मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें थोड़ा सा मावा लेंगे। करीब 4 टेबल स्पून मावा है, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इसे भून लेंगे, और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। आप इसकी जगह बिना पिसी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और शुगर को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा मिलाने के बाद तुरंत हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो कि मैंने थोड़े बारीक काट लिए थे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। देखिए, परवल अच्छे से चाशनी में भीग चुके हैं। अब इसको हम किसी प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। अब देखिए, सारे परवल को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। अब परवल हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने मावा भून के रखा था उसको फिल करेंगे। अब हम परवल उठाते हैं और इसको इस टाइप से खोलेंगे, और थोड़ा सा हाथ में या स्पून की मदद से आप भर सकते हैं। मेरे परवल थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैं इसको फिंगर की मदद से इस तरीके से अंदर फिल करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी मिठाई होती है। इसी तरह हम सारे परवल को भर लेंगे।
देखिए हमारी परवल की मिठाई बनके कितनी अच्छी लग रही है, और ये बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उसमें बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मेरे आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन का पता चल सकेगा।